किसान भाइयों, मेरे फार्मिंग पैशन यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए एक खास वीडियो किसान भाइयों। वो खास वीडियो कैसे होने वाली है, जैसे कि अभी धान लगाई के टाइम में आपका ट्रैक्टर बहुत ही ज़्यादा कीचड़ के अंदर चला होगा और बहुत से भाई लोग ट्रैक्टर खेत में ही खड़ा कर देते हैं। उससे दिक्कत क्या आती है कि रिम के अंदर पीलापन आता है, मुरछा टाइप का कलर आ जाता है। यहाँ पर कैमरा शायद उतना जस्टिफाई नहीं कर पाए, लेकिन जो हकीकत में इसके अंदर जो पीलापन आ गया, जंग टाइप का जो कलर आ गया, उसको हटाने के लिए बहुत से किसान भाई परेशान भी होंगे। कैसे हटाया जाए इस जो है दिक्कत को, आप लोग देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम भी करके आपको दिखा रहा हूँ, एक किनारे साइड में, इस साइड में आप लोग देखिएगा तो आपको जंग के कलर का जो है कलर इस रिंग के अंदर होने वाला है। तो इसको हटाएं कैसे, सिंपल सा तरीका है। बहुत से भाई सोच रहे होंगे कि इसके अंदर जंग आ गया है, क्या हो गया, सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ और क्या क्या चीज़ आपको उपयोग करना है इस चीज़ को हटाने के लिए, कितनी देर आप अपने घर पर आसानी के साथ इस दिक्कत को दूर कर पाने वाले हैं बहुत ही कम लागत में, बिल्कुल ही कम लागत में। उस चीज़ का नाम भी मैं बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका नाम मैं लिख दूंगा और आप उसको आसानी से खरीद सकते हैं और अपने ट्रैक्टर के रिम को आसानी के साथ एकदम नए जैसा बिल्कुल कर पाने वाले हैं। तो किसान भाइयों, जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जाकर के सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करके ऑन जरूर कर लीजिए। और ये जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये ट्रैक्टर मेरा घर के अंदर खड़ा हुआ है और आज मैं इसको एकदम नीट एंड क्लीन करने वाला हूँ। धान लगाए के टाइम में लगभग ज़्यादातर टाइम जब तक धान नहीं लग गया, खेत के अंदर ही मेरा ट्रैक्टर खड़ा हुआ था, पानी के अंदर, कीचड़ के अंदर, तो जिसकी वजह से ये दिक्कतों का सामना हमको करना पड़ा है। और इसको मैं आपको आज कैमरे के सामने अंदर आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल अंदर ये दो रिम का कलर है, काफ़ी चेंज हो गया है, जंग टाइप का कलर इसके अंदर आ चुका है। तो इसको हमको जैसे कि हटाना है तो उसको हम हटाने वाले हैं। अंत तक वीडियो देख करके जाइएगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको जो टॉयलेट क्लीनर है या फर्श क्लीनर है उसको ले लेना है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं वीडियो में। फ्लोर क्लीनर है, इसको ले लेना है। और ये जो हार्पिक है जिससे आप अपना लेटरिन बाथरूम साफ करते हैं वो ले लेना है, और बाल्टी के अंदर इन दोनों चीज़ों को बराबर मात्रा में मिक्स कर लेना है। और इसको क्या करना है, इसको ऐसे लगा लेना, इसको ऐसे लगा देना है, इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद इसको अच्छी तरह से यहाँ रिम में, पूरे रिम में इसको फैला दे। फैलाने के बाद कुछ देर के लिए एक जो है इसको छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद लगभग 15 या 20 मिनट छोड़ दीजिए। उसके बाद एक ब्रश लेकर के आप इसकी अच्छी तरीके से सफाई कर लीजिए, ब्रश से काफ़ी घिसिए इसको, कपड़े से घिसिए। और घिसने के साथ साथ फिर आप लोग देखिएगा कि ये किस तरह से, आपको मैं लाइव दिखाऊंगा, इसको लाइव दिखाने वाला हूं कि ये वर्क करता है कि नहीं। यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो पड़ी है इसके बारे में, रियल में ये वर्क करता है कि नहीं, वो चीज़ मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में। तो मैं फटाफट से इसको चारों रिम पर अप्लाई कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो किसान साथियों, 20 मिनट लगभग हो चुके हैं मैंने अप्लाई किया था, और अब आप लोगों को इसका कंडीशन मैं दिखाता हूँ। ये कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, पूरा का पूरा जो पीलापन था इसके अंदर, जो जंग वाला जो कलर था वो बिल्कुल गायब हो चुका है। और मैं आपको पानी डालने के बाद भी दिखाता हूँ इसका कलर। ये देख लीजिए, जैसा कि मैं पानी डाल रहा हूँ इसके ऊपर, और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैंने अप्लाई नहीं किया था, तो देख लीजिए जहाँ पर इसका जो असर हुआ है वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और जहाँ पर असर नहीं हुआ है वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर। और इसके दूसरे साइड में दिखाता हूँ, ये देख लीजिए, देखिए पूरा का पूरा इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी वो एकदम नीट एंड क्लीन, देख लीजिए। एकदम साफ हो चुका है, किसी भी तरीके का इसके अंदर जो पीलापन था वो नहीं है अब, देखिए एकदम नीट एंड क्लीन, बिल्कुल नए जैसे।
और थोड़ा जहाँ कहीं स्क्रेच था उसका उसकी बात अलग है, तो उसके लिए आपको टचअप करना पड़ेगा, इसका जो कंपनी का पेंट आता है। और दोनों ही चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका नाम दे दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आपके ट्रैक्टर में ये प्रॉब्लम है तो आप इजीली उसको रिमूव कर सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं और अपने ट्रैक्टर को बिल्कुल नए जैसा हमेशा रख पाने वाले। तो यही था आज की जो टॉपिक थी, जो वीडियो थी, यहीं तक थी किसान भाइयों। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करके ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलेंगे किसी ऐसी शानदार टॉपिक के साथ, शानदार वीडियोज के साथ। तो तब तक के लिए जय जवान, जय किसान साथियों।